बुरहानपुर के तहसीलदार के फर्जी साइन फर्जी सील के जरिए दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में एक वकील सहित दो पर कोतवाली थाने में केस दर्ज किया है। बुरहानपुर में तहसीलदार के जाली हस्ताक्षर नकली सील लगाकर बाले बाले संपत्ति के फर्जी नामांकन दस्तावेज तैयार करने का मामला सामने आया है। मामले में बुरहानपुर के प्रभारी तहसीलदार राम लाल पगारी की शिकायत पर तीन आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाना पुलिस ने धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। आरोपियों में एक वकील फरीद अहमद और दो दलाल मोहम्मद असलम जुशान खान शामिल हैं। SP राहुल कुमार ने बताया कि आरोपी मुस्लिम विधि के तहत किए जाने वाले बख्शिश नामे के आधार पर बुरहानपुर तहसीलदार की नकली दस्तखत व नकली सील लगाकर पक्षकारों को नामांकन दस्तावेज जारी कर ₹1,000 ऐंठते थे, जिसका मामला सामने आने पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तहसील ऑफिस से एक शिकायत आई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि तीन लोग एक अधिवक्ता है और साथ में दो लोग और हैं, जिनके द्वारा बख्शीश नामे का इस्तेमाल करते हुए जो है वो फर्जी तरीके से नामांतरण करने के प्रयास किए गए हैं, जिसमें से कुछ कुल जो है वो 40 से 45 के आसपास कुछ नामांतरण को जो है उन लोगों ने डिटेक्ट भी किया है और उस पर से एक प्रतिवेदन बना के कोतवाली थाने पर भेजा था, जिसके अंदर 420, 467, 468 के अंतर्गत मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है तीनों के विरुद्ध।